ஒரிஜினல் புது சிம் மூலம் ஏனோ போது பிளாஸ்டிக் எல்லாம் அந்த கண்ணு கேப் अपन क्या करना लिस्टिंग लिस्टिंग इधर करो अपने मजा है
मंदिर निर्माण हुआ कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हमको आपको लगता है कि एक मंदिर बन गया है, नहीं, 1000 साल इस देश को बताया गया कि तुम मान दिया था अपना, तुमने मान दिया था पर मेरी सांसों ने जाना, पर मेरी सांसों ने जाना केवल नाम तुम्हारा जपना। चार घंटे बोलने पर भी इनका पदार्पण हुआ मेरी कविता की पंक्तियों पर। हम लोग 22 तारीख को हमारे परम प्रिय अभयदास जी, हम भ्राता हमारे, हम सब अयोध्या जी में थे। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति पंडित, जो जगत के लिए निशा है पंडित उसमें रात्रि को जागता है, ज्ञानी उसमें जागता है, शोधक उसमें जागता है। मैंने ऐसा बड़ा उठा लेकिन मेरा इसमें दोबारा भरोसा जमा जब मैं इनसे मिला, क्योंकि कोई ढंग की बात करनी हो तो धीरेन्द्र जी रात को 3 बजे करते हैं, 2:30 बजे करते हैं, भैया सो गए क्या, जग रहे हैं क्या। तो मैंने कहा ये असली पंडित है, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति पंडित है। एक गीत जो मैं सुना रहा था वही मैं सुना देता हूँ, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा। मैं 4 घंटे से बोल रहा हूँ। अयोध्या में भगवान को लौटाने के लिए माता जानकी चर्चा कर रही है, उसका एकदम विशेष रूप से आपने भी बहुत आक्रोश में गाया, उसे ही सुनाते हैं, सुनिएगा। फिर पुकारिए भैया, आपकी पुकार आप जरूर पुकारो कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। देखो भीमवर वालों, मुझे और तुम्हें 3 दिन रहना है, महाराज जी तो आज चले जाएंगे। इनको ये लग रहा है कि तुम 4 घंटे में थक गए हो, मैं तो नहीं थका हूँ, बाहर से आया हूँ। महाराणा प्रताप के लोग थके हैं नहीं थके, अपनी तालियों से बताते चलना। तो बताओ कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस अत्यंत परिपूर्ण रहता हूँ। जिनके लिए सिद्धि प्रसिद्धि में जिनका नाम इतना बड़ा है और इतने अपार जन समूह जिनको स्नेह करता है भारत का और भारत के बाहर, वे बागेश्वर के पीठाधीश्वर इस मंच पर उपलब्ध है। ये आज के इस सत्र का सौभाग्य है कि उन्होंने मेरा एक निवेदन स्वीकारा। 3 दिन पहले मैंने उनसे कहा कि आप अगर वहाँ आ जाएंगे तो भीमबाग के लोगों को अच्छा लगेगा आपके दर्शन करके, उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। और उन्होंने सहजता के साथ स्वीकार किया, उन्होंने कहा दादा हम आ जाएंगे। मैं उनकी व्यस्तताएँ जानता हूँ,
मैं उनका समय की कीमत भी जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये उनकी ये स्नेह है उनका, उनका प्रेम है मेरे प्रति, आप सबके प्रति, कि वो बड़ी व्यस्तता में खराब मौसम में भी वहाँ से चलकर यहाँ तक आए, उनके समय की भी बाध्यता है। मैं आप सबके हर्षोल्लास के बीच, आप सबकी आतुर करतल ध्वनियों के बीच उनसे आग्रह करता हूँ कि वे कृपा पूर्वक हम सबको अभिसिंचित करें, अपने वचनों से अपना स्नेहपूर्ण संभाषण दें। आप सब एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार करतल ध्वनि के साथ, अतिरिक्त आनंद के साथ उनसे आग्रह करें कि मैं आपको सबसे संबोधित करूँ। सेवितं कवित्यजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परेभ्या परपादुकाभ्या, आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमां, अस्मदाचार्य पर्यंतां, वंदे श्री गुरु परंपरां। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं, गोस्पदीकृतबारीशं मस्कीकृतराक्षसं, रामायण महामालारत्नं वंदे अनिलात्मजं। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें धनी हो जाओ। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सियावल रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु संत मनुष्य ना जानिए, यह सब है नंद किशोर। आग लगी आकाश में, झर झर गिरत अंगार, और ये संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सियावल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नीलकंठेश्वर महादेव की, श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, अपने अपने राम के पावन चरित्र की, हमारे बड़े ही प्रिय ज्येष्ठ भ्राता श्री जी की, भीनवाल के पागलों की, राजस्थान के पागलों की, और हमारे प्रेम जी के पूरे परिवार की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 हर, हरे भारत हिंदू राष्ट्र की, राम राज्य की, कथा में आने वालों की, ना आवे बालन की भी। नमः पार्वती पते हर 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 हर, हरे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री सीताराम जी भगवान की मंगलमयी कृपा, भगवान श्री नीलकंठेश्वर महादेव की छत्र छाया, परिणामतः आप सब धन्य भागी हैं। देखो, जनता जिनको चुनती है वो संसद में बैठते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में बैठते हैं।
ये निश्चित हो गया कि आपको भगवान ने चुना है। बड़े भाग्य मानस तनु पाबा, तो बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया। हम सब तीन दिवसीय अपने अपने राम की भगवत चर्चा में विराजमान है, और हमारे बड़े ही प्रिय ज्येष्ठ भ्राता और बड़ा लाड़ देते हैं। आज आते ही हमको शिकायत कर रहे थे कि 3 घंटे से कथा गा रहे। अब बात ठीक है, अगर ये वैसे भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, हम सब भगवान के अंशज वंशज हैं, तो राम जी के लिए तो 14 साल भरत जी इंतजार करते रहे, और जब वे बड़े भैया के लिए 14 साल इंतजार कर सकते हैं तो आप 4 घंटे नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बड़े ही प्रिय और जिनकी पीयूषमयी वाणी से आप सब सरोवार हो रहे, आपकी आंखों की चमक चेहरे की मुस्कान बता रही है कि राम राज्य की कथा आपके हृदय की मन की अयोध्या में बैठ रही है। तो आप सब कोई साधारण नहीं है, धन्य भाग्यशाली। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री, देखो ऐसा कहना नहीं चाहिए पर हम दिल खोल आदमी हैं। गांव में हमारे 2 नाम चलते, पोल खोल बाबा, दिल खोल बाबा। तो दिल खोल आदमी की तरह अगर हम कहें, हम बाबा तो है नहीं क्योंकि दाढ़ी मूछ बनाई नहीं अपन, तो दिल की बात अगर बोले तो 1970-80 के दशक में एक तर्क शास्त्री ने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा था, आचार्य रजनीश ओशो ने। उसके बाद में 18 नंबर का वर्तमान समय में अगर किसी को दिया जाए तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री कुमार विश्वास जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, इसके लिए नहीं हम बोल रहे कि सामने बैठे हैं तो आकर्षित करना चाह रहे, जो पहले से ही आकर्षित है उसे क्या आकर्षित करना है। तो स्वभाव बस ऐसे हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री के मुखारविंद से आप सब अपने अपने राम के चरित्र में 3 दिवस तक जीवन से संबंधित समस्याओं को कथा के द्वारा समाधान पा रहे हैं, ये सौभाग्य है। जितने भी भीनमाल के प्रियजन, हमारे प्रेम सिंह राव जी के पूरा परिवार हमारे मंच पर विराजमान, बड़े ही प्रिय अभयदास जी महाराज जिनके कारण हम लेट आए, हाँ परम पूज्य महाराज जी, हम तो 9:30 बजे ही, हमें आपका आग्रह हम कैसे दुराग्रह कर लें, आग्रह और आदेश दोनों को मानकर हमको लगा के जाना चाहिए, अति से ज़्यादा व्यस्तता थी, लेकिन हमारे भाग्य में आप लोगों के दर्शन लिखे थे। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोरी जुग पानी, बोलो सीताराम, सीताराम। अरे जोर से बोलो, बड़े कंजूस दिखाई पड़ रहे, सीताराम। 2 मिनट कीर्तन करके जो भी टूटी फूटी वाणी से हमसे बनेगा हम कोशिश करेंगे। अब कहाँ सूर्य कहाँ दीपक, पर सागर के सामने कई बार नदियां भी हिलोरे मार लेती हैं। तो प्रयत्न करेंगे, 2 मिनट नाम कीर्तन पहले सब लोग हम लोग गा लेते हैं, भैया हमारा ने बजा दो, इन्हें भरा बजा होगा, जब से चुप बैठे जो तो ठीक है, पेमेंट तो पूरा ही मिलने हैं, बजाओ बड़े भैया दें या हमने, बराबरी है, अपनों ही खा तो समझो। इसलिए बड़े भाव से सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, अब तो कृपा करो राम, अब तो ताली ना बजाओ से अपने अपने आगे वाले की कसम, कौन हाथ भाग, सीताराम है सीताराम है सीताराम है सीता।
शोभा थाली से, होठों की शोभा पान की लाली से, बाग की शोभा माली से, लेकिन कीर्तन की सेवा दोनों हाथों की ताली से। सीताराम फ्रेंड सामने। अच्छा ये सामने जाने का, लो हम मूर्ति के सामने चले गए। देखो भैया, प्रतिमा के सामने जाने से पाप नहीं मिटेंगे, प्रतिमा में प्रतिमा के दर्शन करने से तुम्हारे पाप मिटेंगे। बोलो सीता, उसको भी कौन खबर दे यारो, मेरे पास तो राम जी जैसा कोहिनूर है। बड़ा हाथ उठा करके, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे तो अंगना, बोलो राम आएंगे तो अंगना, दीप जला
दो दो खड़े हैं। कौन कौन खड़ा हम लोगों के साथ? दोनों हाथ भर। ओ मेरी चौपड़ी के भाग, मेरी चौपड़ी के भाग, चंद्र भगवान।